अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। शिक्षक नियोजन में भारी गड़बड़ी को लेकर के अभ्यर्थी धरना पर बैठ गए। आपको बताते चले कि 32 से अभ्यर्थी जो कि बढ़िया प्रखंड से आते हैं, वो लगभग 2-3 दिनों पहले DPO कार्यालय पर भी पहुंचकर और हंगामा किया था। दरअसल आपको हम पूरा मामला बताते हैं कि इनकी बहाली को लेकर के ये लोग जब DM सिवान से मिले हुए थे, उसके बाद से लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को इनका जो सब कुछ दस्तावेज था वो सौंप दिया गया और इनके पक्ष में रिपोर्ट आया, जैसे कि इनका मानना है। लेकिन इन सब के बावजूद DPO कार्यालय में लगातार इन लोगों को दोहराया जा रहा है और जो इन लोगों का नियोजन करना था वो नियोजन नहीं हो पा रहा, यानी कि इनको जो ज्वाइन करना था वो नहीं करने दिया जा रहा है। और इसको लेकर के इनसे रुपए की मोटी रकम की मांग की गई है, जिसको लेकर के इधर से उधर केवल ऑफिस का चक्कर लगवाया जा रहा है। और इसी पे आक्रोशित होकर के ये तमाम अभ्यर्थी, आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल हैं, ये लोग सिवान के JP चौक पर आमरण अनशन पर बैठ गए। लगातार 5-6 रोज से ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है अधिकारियों और अभ्यर्थियों के बीच। अभ्यर्थी बढ़िया से लेकर के सिवान और उसके बाद से राजधानी पटना तक का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सही निदान नहीं निकल पाया है। आखिर ये बेचारे जाएं तो कहां जाएं और इनको न्याय कौन दिलाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। ये लोग जो मनमाने तरीके से नियोजन में अपने अपने कैंडिडेट्स को पैसा लेकर घुसा रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन चल रहा है। हम चाहते हैं कि सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट्स, जो इस लायक हैं, जो हमारे शिक्षा को आगे चल के भ्रष्टाचार मुक्त कर सके और बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दे सके, वैसे ही कैंडिडेट्स का सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए और नौकरी सिर्फ उन्हें ही मिलनी चाहिए, ना कि उन्हें जो पैसे से इनका जेब भर दे रहे हैं। तो ये धरना कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। आते हैं कि अब जो भी उसमें दिया गया था कि 3 दिनों के अंदर जो रंजीत सर पूर्व शिक्षा निर्देशक थे प्राथमिक के, उन्होंने आदेश दिया था कि कोई भी नियोजन हो रहा उसमें 3 दिनों के अंदर ही संज्ञान लेना, लेकिन 3 दिनों क्या है, ये 6 माह के बाद उस पर संज्ञान ले रहे हैं। 6 माह तक इन्होंने उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब्त करके रखा है। बहुत सारे इसमें अभ्यर्थी है जो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कराते थे, वहाँ से रिजाइनेशन लगाकर अपनी रोजी रोटी छोड़कर सरकारी इस विद्यालय में पढ़ाने के लिए यहाँ पर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा किए। आज उनको धमकी मिल रही है कि इतना पैसा ना दीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा तो आपका नियोजन रद्द किया जाएगा। इस तरह की बातें अब नहीं होनी चाहिए। हम मांग करते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से कि जल्द से जल्द इन सभी अभ्यर्थियों का नियोजन NIC पोर्टल पर चयन सूची जल्द से जल्द डाला जाए और इन्हें इस अंधकार में जो अभी नियोजन चल रही है इससे इनको बाहर निकाला जाए। मेरा नाम सौरभ हुआ, मैं जिलाध्यक्ष सिवान। तो बरहरिया प्रखंड 1-5 में हमारा नियोजन हुआ है और उस नियोजन को ये लोग, बिल्कुल जेन्युइन लोगों का नियोजन हुआ है जिसको ये लोग रद्द करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग पैसे नहीं दे रहे इन लोगों को। और हम लोग चाहते हैं कि जो जेन्युइन कैंडिडेट हो उनका हो वहाँ पर, तो नाम चढ़े NIC पर, लेकिन ये लोग NIC पर नाम ना चढ़ाकर हम लोगों का कैंसिल करने के पीछे पड़े हैं। और DM सर इसका जाँच भी कराएं हमारे नियोजन का, और इस नियोजन में हम लोग बिल्कुल सही पाए गए हैं, फिर भी इस जाँच को कोई नहीं मान रहा है और इसको अपलोड नहीं किया जा रहा है। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।